अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मेरे ब्लॉग्स ट्रैवल बेस्ड होंगे और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह प्रेजेंट करूँ कि आप लोग फील करें कि आप ही मेरे साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं। आज जल्दी ऑफ हो गया था, तो मैंने सोचा कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। सो यस, आपको डेली व्लॉगिंग और ट्रैवल व्लॉगिंग दोनों का मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। सो या लेट्स गो। तो मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर, क्योंकि क्लास हो गई थी कैंसिल। तो जब तक मैं यहाँ पर फ्रेश होने जा रही हूँ, तो आप देख कर आए मेरा कबाब चीज़ व्लॉग। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं कबाबजीस रेस्टोरेंट हाईवे ब्रांच। तो हाईवे बस स्टार्ट होने वाला है, तो हाईवे का सफ़र एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं कबाबजीस रेस्टोरेंट पे। सो स्टे ट्यून। Here is our destination. यहाँ मेरे लेफ्ट पे कबाबजीस बेकर्स बना हुआ है। हम लोग यहीं उतर गए हैं। यहाँ 5 गेट्स बने हुए हैं। तो G1 पे कबाबजीस बेकर्स था, पर G2 है, G3 पे वंडरलैंड है और G4 है, और G5 पे एक बैंकेट भी है, कबाबजीस बैंकेट। तो फाइनली हम कबाबजीस के अंदर आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग है यहाँ पे, ज़बरदस्त। यहाँ इंडोर गेम्स प्ले एरिया भी है। तो भाई, यहाँ हमने डॉजन कार के टिकट्स ले लिए हैं। पर पर्सन टिकट 100 रुपीज़ है, बट यहाँ पे वेटिंग क्यू बहुत लंबी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो डॉजन कार का हमने ऑप्शन स्किप कर दिया है, क्योंकि वहाँ क्यू बहुत लंबी थी। तो अब हम बैठेंगे स्विंग राइड में, जो कि है ये वाली। ये दूसरी साइड है, जो कि गेट नंबर 2 से नज़र आ रही थी, जो दो दरिया कबाबजीस ब्रांच है, उसके स्टाइल में बना हुआ है।
हिल से व्यू नज़र आ रहा है। ये राइड बहुत इंटरेस्टिंग है, ये उल्टी हो जाती है चलते चलते और फिर एकदम से नीचे आती है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा है आज तो इसी ज़बरदस्त मौसम के साथ वेलकम बैक टू दी फर्स्ट व्लॉग। तो कैसा लगा आप लोगों को कबाबजीस व्लॉग? उम्मीद है पसंद आया होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। आप लोग भी जाएं, विज़िट करें, एंजॉय करें और फन करें बहुत सारा। और जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।